उस बेरहमी का घातक जवाब, उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूँ। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है, वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा,
पहला पर अध्याय जून 2015 में उन उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला पर अध्याय जून 2015 में उन उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर
आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है। जो स्टेज VI
एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इनमें से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है।
कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था, जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है।
जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जासमिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जासमिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जासमिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज Alzheimer से बिल्कुल भी ग्रस्त है। जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जासमिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है।
लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है।
18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI अल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है।
जिसे उसे जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है।
वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज Alzheimer से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है।
फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा
एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज वी आई एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है। जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है जबकि इसका एक और हिस्सा था यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक
रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज VI अल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज VI अल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी
और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसे जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है।
विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद
कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है।
फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया,
जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI अल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है।
मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह
इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज Alzheimer से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है,
जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें
उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय जून 2015 में उन उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेना निवृत्त होने का अनुरोध करता है।
क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज वी आई एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहाँ पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई, जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है।
अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनर सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है। जो एक सेना अधिकारी था, जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए
जैस्मिन डी ओल्मे नाम की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है, वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नाम की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोथ कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है।
एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसे जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय जून 2015 में उन अग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज VI एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को
उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है। इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म यूआरआई द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी चार हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म पांच अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उन उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा एसएफ अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है, जो स्टेज वी आई एल्जाइमर से बिल्कुल भी ग्रस्त है, जिस पर प्रधानमंत्री उसे सेवानिवृत्ति के बजाय अपनी माँ के पास नई दिल्ली में डेस्क की जॉब प्रस्तुत करते हैं। इससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि जॉब उसे प्रिय थी और वह उसके माँ के पास भी रह सकता है। अंततः यह सब बातें सुनकर प्रधानमंत्री से वह थैंक यू बोलकर उनसे इस बात के लिए सहमत होता है। कहानी दूसरे अध्याय की है, जहां पर नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में स्टेक्स की जॉब पर दिखाया जाता है और वह अपने परिवार के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिताता है। यह खंड पठानकोट हमले के रूप में वर्णित है। विहान की माँ की देखभाल करने के लिए जैस्मिन डी ओल्मे नामक की एक नर्स को रखा गया है। विहान एक भारतीय वायुसेना के पायलट से जाकर मिलता है, जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरोत कौर है, जो अपने शहीद पति के लिए अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सेना अधिकारी था जो एक घात करके उसे शहीद कर दिया है। एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मिन को अज्ञातता के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म में पता चलता है कि विशेष बलों के जवानों के परिवारों को उत्तर पूर्वी आतंकवादियों की धमकी के कारण यह सुरक्षा दी गई है। इसकी कहानी फिर से तीसरी तरफ घुमाई जाती है। 18 सितंबर 2016 को भारी हथियारों से लैस चार उग्रवादियों ने भोर में जम्मू एंड कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में ही मौत हो जाती है।
इसमें आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट के कारण उनकी भी मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया गया था। विहान समेत पूरा परिवार अब तफा हो जाता है। मंत्रालय हमले के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज सर्जिकल स्ट्राइक के विचार का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री इसे छोड़ देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी देश की नौकरी छोड़कर उत्तरी कमान के लिए निकल जाता है। वह सेनाध्यक्ष जनरल सिंह रावत के अनुरोध करता है कि वह इस ऑपरेशन में उनकी गिनती करे, जिससे वह सहमत हो जाते हैं। विहान ने विशेष बलों के साथ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के कमांडो के तौर पर उन्हें चुना जाता है और वहां पर मारे गए अधिकांश सैनिकों में इन में से वह भी एक बनता है। फिल्म URI द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी 4 हिस्सों में विभाजित की गई है, जबकि इसका एक और हिस्सा था, यानी फिल्म 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला हिस्सा, पहला पर अध्याय जून 2015 में उग्रवादियों द्वारा मणिपुर में चंदेल में भारतीय सेना के सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में मेजर विहान सिंह शेरगिल, एक पैरा SF अधिकारी और उसकी इकाई जिसमें उनके बहनोई मेजर कश्यप शामिल है, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर आतंकवादियों पर हमला करते हैं और इसके लिए उसे जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मारते हैं। वो इसे घात से करते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी यूनिट को औपचारिक रात्रि भोज पर बधाई दी। विहान जल्दी सेनानिवृत्त होने का अनुरोध करता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बची हुई जिंदगी वह अपने माँ के साथ रहता है। जो स्टेज VI